हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकारी विभागों में जरूरत के अनुसार पदों को तर्कसंगत बनाने के लिए राज्य में रैशनलाइजेशन कमीशन गठित किया जाएगा। यह कमीशन हर विभाग में पदों की संख्या को रैशनलाइज करेगा। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जा रही भर्तियों के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि HKRN के माध्यम से सबसे पहले उच्च शिक्षा वाले को प्राथमिकता मिलती है और उन्होंने कहा कि HKRN के माध्यम से अभी तक केवल 4 से 5 हज़ार TGT भर्ती हुई है और उन्होंने स्वयं 10-10 उम्मीदवारों से बात की है कि उन्हें निगम से संदेश आया नहीं और उन्हें ज्वाइनिंग के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इन 4 से 5 हज़ार के अलावा जो कर्मचारी पहले से आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे हैं उनका डाटा निगम पर पोर्ट किया जाएगा। और हालांकि इस दौरान एक विषय सामने आया कि ठेकेदार ने कितने व्यक्तियों को रखा, कितनों को ज्वाइन करवाया और कितनों का डाटा निगम को दिया, यह जांच का विषय है। अगले सत्र में यह प्रयास रहेगा कि इस प्रकार का सारा डाटा सदन में प्रस्तुत किया जा सके। अभी हमने जिले को एक इकाई माना था कि एक जिले के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। विचार आया कि जिला भी कई बार बड़ा होता है। अब सिरसा जिला डोवाली भी वही है और नाथुरी कोटा भी उसी में है, लिंग भी उसी में है, दोनों का मिलाकर के 80 किलोमीटर की दूरी है। तो इसको ब्लॉक के हिसाब से एक श्रेणी बनाई जाए कि ब्लॉक के अंदर है तो ज्यादा मार्क्स दिए जाए, जिले में है थोड़ा उससे कम दिया जाए, एडज्वाइनिंग जिले में और कम दिया जाए। और हमारी कोशिश है कि ऐसी कच्ची नौकरी जो है वो एडज्वाइनिंग जिले से ज्यादा दूर के व्यक्ति को बेशक भी टाला जाए, वहां कहीं जरूरत पड़ेगी वहां देखेंगे। इसलिए ये सारे क्राइटेरिया जो बनाए हैं इस क्राइटेरिया के आधार पर योग्यता, हाँ अनुभव। एक प्रारंभ में ये था कि HKRN में शुरू में जो अनुभवी लोग हैं जो हरियाणा सरकार के ही किसी विभाग से, बोर्ड कॉरपोरेशन से, क्योंकि वहां वो कच्चे नौकरी वाले हटते तो है ही हैं। जैसे ही हमारा जोर है कि HPSC के HSCC की नौकरी को बढ़ाओ, जब वो बढ़ाएंगे तो उनकी जगह जो लगे हुए हैं उन्हीं पोस्ट के अगेंस्ट ही हैं, वो हटेंगे। हटेंगे तो उनको पहले प्राथमिकता दो, अनुभव के मार्क्स अलग से दो। अनुभवी लोगों को सबको रजिस्टर कराया था, जिनका अनुभव नहीं था उनका नहीं कराया था। विषय आया कि प्राइवेट अनुभव को भी इसमें शामिल करो। प्राइवेट अनुभव की ऑथेंटिसिटी कोई नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जो ऑथेंटिसिटी जिस डिपार्टमेंट की है, बोर्ड कॉर्पोरेशन की है, अनुभव उसी का माना जाएगा और किसी का अनुभव भी हम मान नहीं सकते। तो ये अनुभव का विषय। फिर इसमें कल क्या होगा, आखिरी जनता जायब है, 21 साल के बाद, 2 साल, 4 साल बाद इसकी जगह कोई आएगा, ये हटेगा। अब सारी उम्र के लिए लगने वाला नहीं है। हम ये कहते हैं कि अच्छा सारी उम्र की चिंता है इसकी, वो तो पक्की नौकरी वाला ही सारी उम्र का उसका प्रावधान है, जो कच्ची नौकरी के, ठेकेदारी के या हरियाणा कौशल रोजगार के, इनको सारी उम्र के लिए हम कोई व्यवस्था बना नहीं सकते, ना हमारा कोई इसके अंदर कोई स्टैचुरी कोई प्रावधान हो सकता। कि अध्यापकों के दोनों बार जो 2074 और 2049 इन लोगों की जब उसके अंदर अवसर इनको जिनको देना था उसका क्राइटेरिया समझ करके मैंने स्वयं